हाय दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे चिकन बिरयानी। इसके लिए हम लहसुन लेते हैं और उसे अच्छे से छील लेते हैं, थोड़ी सी अदरक लेते हैं उसे छील लेते हैं। अब हम मसाले ले लेते हैं, जीरा लेंगे, काली मिर्च, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी धनिया, इन सबको साफ से धो के मिक्सचर में डाल के पीस लेते हैं। सबको हम अच्छे से पीस लेते हैं बारीक। जब तक हम पीस लिया, प्याज हम काट लेते हैं, अपने 4 पीस प्याज लेते हैं, उसे काट लेते हैं। देखिए हमने पानी खोलने को पहले से रख दिया, इसमें लहसुन है, अदरक है, धनिया है, सौंफ है, चावल हमने धो लिया है आधा घंटा पहले ही, उसे पानी भिंगा दिया है। प्याज हमारे लाल हो गए होंगे, देखिए प्याज हमारे भुन गए। अब इसमें हम चिकन को डाल देते हैं अपने। अब इसे अच्छे भुनने देते हैं, जब तो पानी हमारा देखते हैं खोल गया होगा, देखिए पानी हमारे पूरा खोल गया। अब इसे गैस को ऑफ कर देते हैं, देखिए चिकन हमारा अभी भुन रहा है, चिकन हमारा अभी भुन रहा है, चिकन को भुनने देते हैं अच्छे से। देखिए चिकन हमारा अभी भुन गया है, इसको भी थोड़ा और भुनने देते हैं, फिर थोड़ी सी नमक डाल देते हैं जब तक, इसे टेस्ट अच्छा रहेगा हमारे चिकन का। हम अपने चिकन को निकाल लेते हैं, हमारा चिकन भुन गया है। अब बचे हुए तेल में हम सारे मसाले को अपने डाल देते हैं, इसमें भून जाए। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, 1 चम्मच के करीब। थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं, और थोड़ी सी नमक डालते हैं, नमक हम कम डालेंगे। आप चाहिए तो नमक और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम भुनने देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ठीक है, हमारे मसाले हम अच्छे से भून रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसको और भुनने देते हैं अच्छे से। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। दालचीनी लेंगे, लौंग लेंगे, छोटी इलायची, जावित्री, तेल हमारे गर्म हो चुके हैं, हमने 1 मीडियम साइज की प्याज काट ली है, उसको पहले इसमें डाल के भूनते हैं हम। मीडियम आंच पर करके भूनते हैं, ज़्यादा तेज नहीं, हमारे प्याज जल जाएंगे। धीमी धीमी आंच पर भूनते हैं हम। जब हमारे भून रहे हैं, हम अपने मसाले को देख लेते हैं। देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, तेल अलग हो गए हैं, उसमें हम अपने चिकन को डाल देते हैं, इसको अच्छे से भूनते हैं। फिर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसको अच्छे से चलाते हैं और थोड़ा भुनने देते हैं अभी। देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे भुन गए, थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये प्याज हमारे अच्छे से भुन गए, इसमें काजू बादाम किशमिश थोड़ा डाल के भून लेते हैं, हमने पहले से कट कर चुके थे। 1 मिनट भूनते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इन सबको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बचे हुए तेल में लौंग इलायची अपने डाल देते हैं,
दालचीनी से अच्छे भुनने देते हैं। अब इसमें अपने चावल को डालते हैं हम। चावल को डाल के अच्छे भुनने देते हैं इसको। इसमें थोड़ी सी नमक डाल देते हैं 1 चम्मच। ये भुने जब तक अपने गोश्त को हम देख लेते हैं, हमारे चिकन बन गए। इसे अभी थोड़ा और भुनने देते हैं। इसमें उबले हुए पानी को थोड़ा डालते हैं, इसको भुनने देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे और उसको थोड़ा सा भुनने देंगे। तो ये कितने अच्छे हमारे चिकन भुन गए। इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। इसको अच्छे से अब ढक देते हैं और उसको थोड़ा पकने देते हैं, गल जाए हमारे चिकन। तो पुलाव देखते हैं तो ये भुन गए। अब इसमें हम पानी डालते हैं, जो हमने पानी उबाले थे बॉईल किए थे वही डालेंगे इसमें। अब इसको ढक देते हैं, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं अपने पुलाव को। देखें पुलाव पक रहे हैं, खोल गए हैं। इसको धीमी आंच पे करके ढक देते हैं थोड़ी देर। देखिए चिकन हमारे गल रहे हैं। इसको धीमी आंच पे कर देते हैं, देखते हैं। देखिए पुलाव एकदम गल गए हैं, उसको उतार देते हैं। देखिए चिकन भी हमारे हो ही गए हैं। अब इसको खोल के हम इसको थोड़े भूनते हैं। देखिए अपने चिकन को हमने भून लिया है, थोड़ा भूनते हैं। देखिए कितने टेस्टी हमारे चिकन भुने हैं, कितने अच्छे। अब हम चावल को डालते हैं, जो हमें पुलाव पक चुके हैं। ठीक है, हमने डाल दिया। इसको ढक के थोड़ी देर हम धीमी आंच पे पकने देते हैं। अब अपने चिकन, अब अपने बिरयानी को हम डेकोरेट करेंगे। अब जो हमने प्याज भुना था इसके ऊपर डालते हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हमने बारीक प्याज 1 काट लिए थे। अब इस पर हम बिरयानी को डालते हैं अपने। अब इसमें भुने हुए प्याज को डालते हैं। देखिए हमारी कितनी टेस्टी लजीज बिरयानी तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी।